हमारा नाम है जिमी जासूस 007 जुलनी और हमारी खासियत है तस्वीरों को देखकर उन्हें बनाने वालों की गीलम पट्टी करना। तो आज जिस तस्वीर की हम तफ्तीश करने जा रहे हैं वो तस्वीर है छोटे कौन से वाली है देख रहा हूँ डांट क्यों रहा है यार ये वाली। तो ये जादुई तस्वीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इस तरह से साधारण तस्वीरें खींचनी पड़ेंगी और ये तस्वीरें खींचने के बाद हम अपनी पहली तस्वीर को फोटोशॉप के अंदर लेकर के आएंगे। फोटोशॉप के अंदर लाने के बाद सबसे पहले हम अपने फोटोशॉप के प्रोजेक्ट को सेव करेंगे कंट्रोल एस दबाकर। कंट्रोल एस दो की जिंदगी की। प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद हम अपनी दूसरी तस्वीर को फोटोशॉप के अंदर लेकर आएंगे। अब हम इस लेयर की ओपेसिटी को कम करके इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को 100 कर देंगे। अब हम इस तस्वीर को पेन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते हुए हमें हाथों को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है तो हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोरेंस एटीट्यूड ईगो। सिलेक्शन करने के बाद हम अपनी लेयर को मास्क कर लेंगे। मास्क करने के बाद हम मास्क को सिलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल लेकर व्हाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम व्हाइट कलर से कैरेक्टर के पैरों के आसपास पेंट करेंगे जिससे कि हमें अपने कैरेक्टर की शैडोज भी मिल जाएं। अब हम अपने कैरेक्टर की लेयर के नीचे एक न्यू लेयर बनाएंगे जिसके अंदर पेन टूल की मदद से एक सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद हम ब्रश टूल का यूज करके उसको फिल करेंगे। फिल करने के लिए हम अपनी स्लीव से कोई भी डार्क कलर पिक कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम अपनी अगली तस्वीर को लेकर के आएंगे और उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हम चेहरे के ऊपर ब्लैक या फिर कोई भी डार्क कलर पेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैरेक्टर की हुडी को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्लोन टूल का यूज भी किया है। अब इसके बाद हम और फोटोज को लेकर के आएंगे और उन्हें भी सिलेक्ट करके अपनी फोटो के अंदर प्लेस कर लेंगे। अब जो भी तस्वीर हमारे कैरेक्टर के पीछे होगी उसके लिए हमें अपनी मेन लेयर को डुप्लीकेट करना है और सबसे टॉप पर लेकर के आना है। टॉप पर लाने के बाद हम अपनी मेन लेयर को भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसे भी मास्क कर लेंगे। किसका फोन है? एक मिनट दोस्तों, मुझे एक कॉल पिक करनी पड़ेगी। इट्स वेरी अर्जेंट। ड्रामेटिक लाइट्स प्लीज। व्हाट? हेलो। हाँ मामा, किसकी गलम पट्टी करनी है? क्या ड्रम की? पर क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुमने कौन सा मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? क्या क्या हुआ है? तो क्या हुआ, बेल आइकन तुमने दबाया ना? कॉन्टैक्ट इसका के फोन है, फोन ना उठाना। लाइट ऑन करो, डर लग रहा है यार। लाइट हटाओ। हाँ ठीक है, बैक टू द ट्यूटोरियल्स। अब इसी तरीके से हम एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उन्हें अपनी फोटो के अंदर प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद हमें सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और उन्हें डुप्लीकेट करके मर्ज कर लेना है। अब हम इस फोटो की कलर ग्रेडिंग करेंगे as always। और ग्रेडिंग करने के लिए हम कैमरा रॉ फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। कैमरा रॉ फिल्टर। अब यहाँ पर जो भी मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ वो मेरी फोटो के अकॉर्डिंग है। आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लैरिटी और डीहेज को इंक्रीज किया है और वाइब्रेंस और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम किया है। इसी के साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट, शेडोज और ब्लैक्स को भी इंक्रीज किया है। उसके बाद मैंने डिटेल सेक्शन में जाकर शार्पनिंग और डिटेल को भी इंक्रीज किया है। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा ल्यूमिनेंस और कलर नॉइज रिडक्शन को भी इंक्रीज किया है।
जिसके बाद मैंने इफेक्ट्स पैनल में जाकर थोड़ा सा विनियट ऐड किया है। विनियट ऐड करने के बाद कलर कैलिब्रेशन में जाकर मैंने ब्लू प्राइमरी को थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, साथ ही साथ रेड और ग्रीन प्राइमरी को हल्का सा राइट की साइड शिफ्ट किया है। ये करने के बाद मैंने HSL एडजस्टमेंट में जाकर ऑरेंज की सैचुरेशन को थोड़ा सा कम किया है और ल्यूमिनेंस को इंक्रीज किया है। इसके बाद मैंने जो भी और सेटिंग्स की हैं वो मेरी फोटो के कलर के अकॉर्डिंग हैं। आप अपनी फोटो के अकॉर्डिंग अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये सब जादू टोना करने के बाद हमारी तस्वीर जो है वो तैयार हो चुकी है और वो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। अब जो परेशानी है वो ये है कि इस तस्वीर को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मगर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फोटो की PSD फाइल का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप डाउनलोड करके अपनी फ़ोटो को हमारी फ़ोटो की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। बस आपको अपनी तस्वीर खींचनी है और उसे सिलेक्ट करके मास्क करना है और इस लेयर को रिप्लेस कर देना है। और ये सब मैंने इसीलिए किया है ताकि आप सब इस वीडियो को लाइक, मेरा मतलब है क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और आप लोगों का प्यार बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत सही है, बहुत बहुत अच्छा है, एकदम जबरदस्त। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, हजारों लाइक्स कर दीजिए इस वीडियो के ऊपर, जबरदस्त एकदम। ओहो, ट्यूटोरियल समाप्ति की घोषणा। जाने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा और वो बात ये है कि गीलम पट्टी करते हैं उनकी, तस्वीरों में एडिटिंग होती है जिनकी, हम तो दुश्मनी करने वाले हो गए गुम। अगले वीडियो में नाम से तुम तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप बनाते रहिए कुछ जबरदस्त फोटोज। असली करे, असली गाना है।